जवाब यह दिया जा रहा है आशुतोष कि मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं सनातनी हूं, मैं सुशांत केस की लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए परमबीर सिंह खासतौर पर टारगेट करके निशाना साध के मेरे खिलाफ इस तरीके की साजिश कर रहे हैं। अगर परमबीर सिंह मान भी लिया जाए, अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर मान भी लिया जाए, निजी खुन्नस निकाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद कहा, आज तक ने उनसे ये सवाल पूछा भी कि आप ये खुद देख के तय कर लीजिए एजेंडा कौन किस तरह से किसके खिलाफ चलाता है। मुंबई पुलिस एजेंडा नहीं चला रही। उसके बावजूद अगर यह मान भी लिया जाए तो सुशांत की केस की खबर, हाथरस केस की खबर, पालघर की खबर, ये तो सारे चैनल चला रहे हैं आशुतोष, तो फिर तो मुंबई पुलिस के निशाने पर सबको होना चाहिए। रोहित, मुझे अपने बारे में यह विश्वास है कि मैं भी राष्ट्रवादी हूं, मैं भी सनातनी हूं और मैं भी सुशांत सिंह के मसले पर अपने प्लेटफॉर्म पे खबरें चला रहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब मेरे खिलाफ कोई एजेंडा चलाएगा? ठीक है, ये जब आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि आप कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हैसियत से आप बातें कर रहे हैं। साफ बात यह है कि मुंबई की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है कि टीआरपी का फर्जीवाड़ा हुआ है, उस फर्जीवाड़े में रिपब्लिक टीवी का नाम आया है और दो लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है। अब उनको सवाल का जवाब ये देना है कि हमने फर्जीवाड़ा किया है या नहीं किया है, उसका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है और उसका सनातनी होने से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप राष्ट्रवादी है, सनातनी है तो आपको सारे फर्जीवाड़े करने के अधिकार मिल जाएंगे क्या? और इस आधार पर कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा? एजेंडा ड्रिवन पत्रकारिता होती क्या, क्या ये बताने की जरूरत होती है क्या कि एजेंडा ड्रिवन पत्रकारिता क्या है और कैसे की गई है, और पिछले ढाई महीनों से किस तरीके से रिया नाम की लड़की के साथ जिस तरीके से किया गया है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, उसको आरोप ये लगाया गया कि उसकी मृत्यु हत्या में उनका हाथ है, आरोप ये लगाया गया कि आज भी थोड़ा एजेंडा मिक्स कर दे रहे। आज मसला कंटेंट का नहीं है ना, आज मसला इस बात का है कि आपने धोखाधड़ी की, रेटिंग्स में आपने फर्जीवाड़ा किया। पुलिस का आरोप यह है कि पैसे देकर रामकृपाल सिंह जी वो लोगों से कहते रहे कि आप अपने घर में टीवी चला के छोड़ दीजिए, आप पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं, आप अंग्रेजी टीवी चैनल चला के छोड़ दीजिए। रामकृपाल जी, क्या ये देश के लोगों के भरोसे के साथ, उनके विश्वास के साथ, जिससे वो किसी टीवी चैनल को प्यार करते हैं या देखते हैं, खिलवाड़ नहीं है, धोखा नहीं है? जी, मेरा जो मेरी तकलीफ है, जो मेरी वेदना है अंदर से, वो यही है कि मीडिया ट्रायल जब किसी चीज के बारे में शुरू होता है तो उसका असर जो होता है वो बाद में अदालत कुछ भी फैसला करे, लेकिन मीडिया जो नुकसान कर देता हो जाता है। आज वो खुद मीडिया पर ये बात आ रही है। बहुत ही दुखद है, मुझे सिर्फ एक चैनल ने टीआरपी के साथ खेल किया है तो ठीक है, लेकिन जो आप अभी एक वाक्य कह रहे थे, सबसे बड़ी बात है कि मीडिया पर ही पूरा सवाल, ये प्रश्न उठ जाएगा। कोई एक जगह अगर इस तरह का गलत धंधा हो रहा है तो तय जान लीजिए पूरी मीडिया की विश्वसनीयता पर एक तरह का संकट खड़ा होता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा हुआ है। मैं फिर यही बात कहता हूं जो आप भी कह रहे थे। अगर देखिए, हमेशा तथ्य क्या है, मैं उस पर जाता हूं, और मेरा ये मानना है कि हम वकालत तो कर सकते हैं, जज न बने। मैं शुरू से ही, चाहे सुशांत का मामला रहा हो, तब भी मेरा स्टैंड यही था कि आप जजमेंट मत सुनाइए, आप अपने तर्क, जितना आपके पास तथ्य आए हुए हैं उसको जनता के सामने रखिए। दुर्भाग्य से आज खुद मीडिया कटघरे में खड़ा हो गया है। जिस चैनल का नाम लिया जा रहा है उन्होंने भी कुछ और बातें कही हैं। मेरा मानना यह है कि फैसला अदालत करेगी, और अगर इसमें सच्चाई, जो आज आरोप लग रहे हैं मीडिया पर, सच्चाई अगर इसमें है तो मैं कहता हूं कि मीडिया के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन आज होगा। जी।